अब जब हमारा स्टील तैयार हो जाता है या कन्वर्टर या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या कोनार्क में, तब हम लोग उस स्टील को टैप कर लेते हैं स्टील लैडल में। स्टील लैडल में कई तरह की प्रोसेसिंग भी होता है और साथ ही साथ ये स्टील को कन्वर्टर से कास्टर तक ले जाने का भी काम करता है। ये क्या करता है, कन्वर्टर या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या कोनार्क से स्टील को कलेक्ट करता है, जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो होता है, और ये कास्टर पे ले जाके स्टील को दे देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये इसका मूवमेंट भी होता है, एक जगह से ले रहा है, दूसरे जगह छोड़ रहा है, एक जगह से ले रहा है। तो इस तरीके से इतना ह्यूज अमाउंट का मूवमेंट होना होने के वजह से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टरी की ज़रूरत हमको स्टील लैडल में पड़ती है, और सबसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी इस स्टील लैडल की होती है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके थ्रू स्टील का मूवमेंट होता है। हम लोग देखेंगे कि स्लाइड गेट जो है वो उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, साथ ही साथ वहाँ से जब स्टील पास करता है तो वो टेम्परेचर 1650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतने कम थिकनेस के बावजूद भी। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है कंपेरेटिवली और भी जो भी प्रीवियस चीज़ें थी उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें जो है पर टन रिफ्रैक्टरी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक स्टील लैडल का डिज़ाइन है। इसमें भी जो है सबसे पहले आउटर सेल होते हैं, आउटर सेल स्टील के बने होते हैं, ये 25 to 30 mm इसका बना होता है। इसके बाद जो है वो हम लोग इंसुलेशन लाइनिंग करते हैं। इंसुलेशन लाइनिंग के लिए या तो हम लोग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं या कास्टेबल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज कहीं कहीं पर बोर्ड का भी इंसुलेशन बोर्ड का भी यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग बैकअप लाइनिंग यूज़ करते हैं या सेफ्टी लाइनिंग यूज़ करते हैं, वो मैग्नीशिया बेस्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है या बेसिक ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। अगला चीज़ है कि उसके बाद हम लोग वर्किंग लाइनिंग करते हैं, और वर्किंग लाइनिंग के तौर पे हम लोग मैक कार्बन ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। मैक कार्बन ब्रिक्स बेसिक नेचर का ब्रिक्स होता है। अब जो है इस लैडल को हम लोग कई भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर होता है स्लैग जोन, उसके नीचे मेटल जोन होता है, और बॉटम में बॉटम ब्रिक्स होता है। बॉटम में पर्जिंग प्लग लगे होते हैं, यहाँ दो पर्जिंग प्लग हैं जिसकी मदद से हम लोग इनर्ट एयर को चार्ज करते हैं, और जो कि एक होमोजीनियस मिक्सर को फॉर्म करता है और टेम्परेचर को भी यूनिफॉर्म बनाए रखता है। फिर एक और ब्लॉक लगा होता है जिसमें हम लोग स्लाइड गेट सिस्टम को लगाते हैं, जो कि जब हमारा स्टील तैयार हो जाता है तो कास्टिंग के लिए उस स्लाइड गेट के थ्रू ही हम लोग स्टील को कास्टर के अंदर या टंडिस के अंदर भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है इस एक स्टील लैडल को बनाने के लिए, आउटर सेल, इंसुलेशन लाइनिंग, बैकअप लाइनिंग के लिए ब्रिक्स, प्लस वर्किंग लाइनिंग के लिए ब्रिक्स, वो भी एक अपने अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग। मेटल जोन के जो ब्रिक्स होते हैं उसमें कंपेरेटिवली लो अमाउंट में कार्बन कंटेंट होता है। स्लैग जोन के जो ब्रिक्स होते हैं, क्योंकि वहाँ इरोजन ज़्यादा होने के कारण कंपेरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में कार्बन कंटेंट होता है। फिर उस ब्रिक्स को लेइंग करने के लिए अलग अलग तरह के मोटर का यूज़ करते हैं। टॉप का जो लिप होता है, टॉप का लिप को कास्ट करने के लिए हम लोग हाई एल्बुना कास्टेबल का यूज़ करते हैं। फिर बैक फिलिंग मास का भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। वेल ब्लॉक का यूज़ करते हैं पोरस प्लग और स्लाइड गेट को लगाने के लिए। स्लाइड गेट सिस्टम को यूज़ करते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और पोरस प्लग का यूज़ करते हैं हम लोग इनर्ट गैस को चार्ज करने के। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग स्टील लैडल को बना सकते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट जो है ये है कि जो लैडल स्टील लैडल होता है ये एक ट्रांसफर वेसल होता है जो कि BOF और कास्टर के बीच मूव करता है। इसका जो है हम लोग
कई तरह के प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग एलॉइंग करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखिए क्या ये एक स्टील लैडल है, हम लोगों ने स्टील लैडल में स्टील को ये कर लिया जो टैप करना था BOF से, फिर हम लोग वायर को इंजेक्ट कर रहे हैं एलॉइंग के लिए, हमें निकेल क्रोमियम की एलॉइंग करनी होती है, तो हम लोग निकेल का या क्रोमियम का वायर को उसके अंदर चार्ज करते हैं। फिर ये ऑक्सीजन का लॉन्सिंग करने की भी इसमें सुविधा होती है, हीटिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको हीट करने के लिए, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसको रेज करने के लिए। फिर कहीं कहीं जो है इसको वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि और ज़्यादा प्योर स्टील को हम लोग बना सकें, कोई भी एयर ट्रैप उसके अंदर नहीं रहे, इसके लिए वैक्यूम क्रिएट करके एक नया सिस्टम बनाया जाता है। तो ये देखिए कि इरोजन रेट क्या है, कि बॉटम का जो इरोजन रेट 4% है, बैरल का जो इरोजन रेट है वो 14% है, स्लैग जोन का जो या स्लैग लाइन का जो इरोजन रेट होता है रिफ्रैक्टरी का 47% तक होता है, स्लाइड गेट का 27% और आर्गन प्लग का 7%। ये एक इरोजन रेट आपके सामने दिया हुआ है, किसी एक टिपिकल प्लांट का होगा, क्योंकि अलग अलग प्लांट में आयरन और स्टील की केमिस्ट्री अलग अलग होगी, इरोजन रेट भी अलग अलग होगा। तो हमें किन किन बातों का ध्यान करना होता है रिफ्रैक्टरी के सिलेक्शन और डिज़ाइन के लिए, कि कौन से हमें यूज़ करना है, उसके केमिस्ट्री के आधार पर, उसके साइकिल के आधार पर, इन्वायरमेंट के आधार पर सब ठीक करना होता है। ये अलग अलग पोजीशन पे कहाँ कहाँ क्या लगे होते हैं ये शो किया हुआ है, और इस डायग्राम में शो किया गया है कि कैसे ये एक तैयार स्टील लैडल है, ये प्री हीट किया हुआ स्टील लैडल है, प्री हीट किया हुआ स्टील लैडल कुछ ऐसा दिखता है हमें। तो हम लोग बॉटम और वॉल में सेफ्टी लाइनिंग करते हैं, सेफ्टी लाइनिंग के लिए जो है हम लोग मैग्नीसाइट ब्रिक्स का यूज करते हैं। देखो ये बैकअप लाइनिंग का कास्टिंग किया हुआ है सेकेंड वाले में, और पहले वाले में बोर्ड लगाया हुआ है, हम कहें इंसुलेशन बोर्ड भी लगा सकते हैं या कास्टिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये वर्किंग लाइनिंग है, वर्किंग लाइनिंग के लिए हम लोग मैक कार्बन ब्रिक्स का यूज करते हैं। अलग अलग जोन में फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा इम्पैक्ट जोन है, कौन सा स्लैग जोन है, कौन सा बॉटम लेयर है, कौन सा हॉट स्पॉट जोन है, वहाँ पर अलग अलग तरह का अलग अलग लेंथ का ब्रिक्स का यूज करते हैं। लैडल को स्टायर करने के लिए, लैडल में जो भी स्टील मौजूद है उसको स्टायर करने के लिए हम लोग पोरस प्लग का यूज करते हैं, जिसके की मदद से हम लोग आर्गन गैस या कोई भी इनर्ट गैस को चार्ज करते हैं, तो ये पूरे मिक्सर को होमोजीनियस बनाता है और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी यूनिफॉर्म रखता है। ये देखिए आर्गन प्लग का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वेल ब्लॉक ब्लू कलर के जो है ये वेल ब्लॉक लगा हुआ है, वेल ब्लॉक को हम लोग लाइनिंग करते टाइम ही लगा देते हैं शुरू में ही, और फिर जब तैयार लैडल हो जाता है तो उसके बॉटम से हम लोग पोरस प्लग को इंजेक्ट करते हैं। ये पोरस प्लग का इरोजन कैसे कैसे होता है उसके बारे में दिया हुआ है।
ये पोरस प्लग की डिज़ाइन दी हुई है, देखिए इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि ताकि उससे एयर जो है एयर लेडल के अंदर जा सके और जो लिक्विड स्टील या स्लैग है उसमें उसके अंदर ना जा सके। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड स्टील का जो डेंसिटी होता है वो कंपेरेटिवली हाई होता है, अबाउट 7 के आसपास, तो 7 के जैसे लिक्विड को पेनिट्रेट करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा गैप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है ये है फ्लो कंट्रोल सिस्टम। फ्लो कंट्रोल सिस्टम के लिए हम लोग स्लाइड गेट का यूज़ करते हैं और स्लाइड गेट का ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है जो कि कुरोसाकी हरिमा कॉरपोरेशन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो है पहले तो हम लोग लैडल में वेल ब्लॉक को फिक्स कर दिए, फिक्स करने के बाद अपर नोजल को फिक्स करते हैं। ये 2 नंबर में देखिए अपर नोजल है, इसको फिक्स करते हैं। इसके बाद जो है स्लाइड गेट प्लेट को लगाते हैं। स्लाइड गेट प्लेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, स्लाइड करता है तो क्या होता है कि बेसिकली ये देखो 2 नोजल्स यूज किए गए हैं, अपर नोजल और लोअर नोजल, तो दोनों में होल्स होता है। दोनों होल्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो जो स्टील है वो फ्लो करने लगेगा और एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे तो स्टील फ्लो नहीं करेगा। तो यही कंसेप्ट होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पर स्लाइड करके वो होल्स को आमने सामने लाता है। तो ये अपर नोजल है, फिर अपर स्लाइड प्लेट है, लोअर स्लाइड प्लेट है और उसके बाद लोअर नोजल है। लोअर नोजल से जो है लैडल श्राउड जो कि टंडिस में लगे होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं और साथ जो है पूरा स्लाइड गेट का फ्रेम है। तो स्लाइड वहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है जिसके कि द्वारा हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं। प्रेशर को अप्लाई करने के बाद स्लाइड प्लेट एक दूसरे पर स्लाइड होता है और पूरा जो होल्स है एक दूसरे के सामने आ जाता है तो ये स्टील फ्लो करने लगता है। तो ये देखो बहुत ही थिन, इसका थिकनेस बहुत ही कम होता है, आसपास 30 to 50 mm। इसके बाद 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का आप स्टील पास करा रहे हो। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हैंडल करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो स्लाइड गेट के जो नोजल्स होते हैं वो एल्मुना कार्बन या जिरकोनिया कार्बन से बने होते हैं जनरली, और इसमें प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत हाईली प्योर्ड एल्मुना और कार्बन का यूज़ करते हैं। फिर साइड वॉल के लिए हम लोग मेटल जोन में मैं कार्बन ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, कंपेरेटिवली लो कार्बन कंटेंट होता है। और इस ब्रिक्स का जो साइज होता है प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, ये 150 to 200 mm थिकनेस तक का होता है। नेक्स्ट होता है जब हमारा लाइनिंग तैयार हो जाता है तब हम लोग लिप रिंग का जो टॉप पोर्शन होता है जहाँ पर हम लोग लाइनिंग हो गया ख़त्म तो उसको सील करना होता है, लाइनिंग को पैक करना होता है, तब हम लोग कास्टेबल का यूज़ करते हैं जिसको लिप रिंग कहते हैं। वहाँ पे हम लोग हाई एल्मुना कास्टेबल ले करके कास्टिंग कर देते हैं। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि जब कास्टर से
कास्टिंग खत्म हो जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत स्लैग रह जाते हैं, क्योंकि स्टील लेडल के अंदर भी स्लैग का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एलॉइंग, तो जो स्लैग रह जाते हैं तो उसको हमें फिर ड्रेन करना होता है उस स्लैग को, तो स्लैग को ड्रेन करना होता है तो वहाँ पे जा करके स्लैग थोड़ा सा अपने साइकिल के साथ समय के साथ मल्टीपल टाइम्स यूज हो जाएगा लेडल, तो वहाँ पे स्टिक करने लगता है इसके माउथ पर स्लैग, तो वहाँ पे हमको हटाने में भी इस कास्टेबल का जब यूज करते हैं तो मदद मिलती है। देखो एंकर का हम लोग यूज कर रहे हैं कास्टेबल्स के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये है आरएच डिगैसर, ये पहले ही बताए थे कि और प्योर स्टील को बनाना है तो हमें जो है उसको वैक्यूम में रखना होता है। तो ये था आज लैडल के बारे में, जो कि स्टील लैडल के बारे में। थैंक यू।